हेलो गाइस, फ्रेंडी टेक यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, एमएस वर्ड एडवांस ट्यूटोरियल्स वीडियोस में आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वाटरमार्क के बारे में। वाटरमार्क कितने तरीके से दिया जाता है, बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कहीं पर स्किप मत कीजिए, अगर आप करते हो स्किप तो शायद कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट आपको मिस हो जाए और आपको सीखने में दिक्कत आ जाए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट बिगिनिंग। गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे वाटरमार्क क्या है। वाटरमार्क को समझने के लिए मैं आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, उसके अंदर ध्यान से देखिए। गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंट्स पहले से लिख कर रखा हूँ। इस डॉक्यूमेंट्स के बैकग्राउंड में डू नॉट लिखा आ रहा है डायगोनली, तो आप दूसरे पेज में भी देख सकते हो वही डू नॉट कॉपी लिख कर आ रहा है, और तीसरे पेज में भी ऐसा ही है। ये जो डू नॉट कॉपी लिखा आ रहा है टेक्स्ट के बैकग्राउंड में, इसी को जल छवि या वाटरमार्क कहा जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स के बैकग्राउंड में वाटरमार्क यूज़ करने से अगर आप ये डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकालते हो तो ये डॉक्यूमेंट के साथ निकल जाता है डू नॉट कॉपी का जो वाटरमार्क है। अगर ये इसी हार्ड कॉपी की कोई कॉपी करना कोशिश करेगा तो ये जो बैकग्राउंड के आपका ब्रांडिंग नेम होगा ये आप रख सकते हो। अगर वो जेरोक्स भी करेगा तो ये चला जाएगा, आप तुरंत पकड़ पाओगे वो नोट्स आपका है, वो डॉक्यूमेंट्स आपका है। इसीलिए ब्रांडिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है वाटरमार्क को। गाइज, वाटरमार्क दो टाइप का होता है, एक टेक्स्ट वाटरमार्क होता है, दूसरा होता है पिक्चर वाटरमार्क। तो चलिए देखते हैं किसी डॉक्यूमेंट्स के बैकग्राउंड में वाटरमार्क कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आप चले जाइए डिज़ाइन टैब में। अगर आप एमएस वर्ड की 2016 वर्जन यूज़ कर रहे हो तो डिज़ाइन टैब में आपको मिलेगा वाटरमार्क। अगर आप 2007 यूज़ कर रहे हो तो आपको मिलेगा लेआउट पर। तो मैं डिज़ाइन टैब में जा रहा हूँ क्योंकि मैं 2016 यूज़ कर रहा हूँ। अभी जाना है वाटरमार्क ऑप्शन पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ प्रीसेट वाटरमार्क पहले से ही दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी जैसे कि लिखा आ रहा है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हो अचानक से वो आपको टेक्स्ट बैकग्राउंड में आ जाता है। मैं आपको डेमो दिखा चुका हूँ पहले भी। अगर आप इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो आपके मन मुताबिक, वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना है वाटरमार्क, जाना है कस्टम वाटरमार्क, और यहीं से आपको टेक्स्ट को चेंज करना है। टेक्स्ट वाटरमार्क को सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट में जो डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है इसको चेंज कर लेना है, जैसे कि मैं चेंज कर ले रहा हूँ। इसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज भी कमा या बढ़ा सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कलर दिया गया है जैसे कि मैं यहाँ पर रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ, और नीचे दिया गया है लेआउट। लेआउट वो होता है अगर आप डायगोनल यूज़ करते हो तो आपका स्क्यू होके टेक्स्ट आ जाता है, इसका मतलब लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक चले जाता है टेक्स्ट। अगर आप हॉरिजॉन्टली यूज़ करते हो तो लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जाता है, जैसे कि मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन में दिखाया था। तो मैं डायगोनली कर रहा हूँ, क्या लिखकर, फ्रेंडी टेक लिखकर। अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए मेरे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में फ्रेंडी टेक लिखा आ रहा है। देखिए वाटरमार्क चले आ रहा है। तो ये जो वाटरमार्क आ रहा है ये डायगोनल आ रहा है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल भी कर सकता हूँ। तो हॉरिजॉन्टली करने के लिए आपको दोबारा वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क, यही से आपको हॉरिजॉन्टली करना है और अप्लाई करना है। तो देखिए साइड बाय साइड, लेफ्ट साइड टू राइट साइड टेक्स्ट आ गया है। अगर आप चाहते हो ये जो टेक्स्ट है थोड़ा सा हाईलाइट होके आ जाए, डीप कलर होके आ जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंट का जो ऑप्शन है इसको हटाना है और आपको अप्लाई करना है, तो ये डीपली कलर हो जाता है। अगर आपको नहीं चाहिए इस तरह के तो आप सेमी ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। गाइज, अगर आपको वाटरमार्क रिमूव करना है तो दोबारा वाटरमार्क में जाइए और यहाँ से रिमूव वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करते ही वाटरमार्क रिमूव हो जाता है। गाइज, अभी हम देखेंगे कैसे बैकग्राउंड में पिक्चर वाटरमार्क डाला जाता है। तो इसके लिए आपको जाना है डिज़ाइन टैब, और वाटरमार्क के जाने के बाद यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क में चले जाइए, और यहाँ से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा पिक्चर वाटरमार्क। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको सिलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर एक विंडो आ जाता है जहाँ पर आपको वर्क ऑफलाइन में क्लिक करना है। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो आप यहां से ट्राई अगेन करके भी निकलवा सकते हो इंटरनेट के जरिए से। तो मेरे कंप्यूटर में अभी फिलहाल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो मैं वर्क ऑफलाइन करूंगा, और जो भी पिक्चर्स मुझे चाहिए मैं जहां पर भी रखा हूं वही पिक्चर यहां से उठा सकता हूं, जैसे कि मैं इस पिक्चर को उठा रहा हूं। और यहाँ पर देखते हो इसका स्केल जो है ये साइज बताया जाता है, अगर इसको ऑटो रहने दे तो बेहतर होगा, तो पिक्चर का साइज ऑटो साइज ले लेता है। और यहाँ पर वॉश आउट है, वॉश आउट क्या है बाद में बताते हैं, पहले अप्लाई कर देते हैं। तो क्लिक करती है, देखिए इसका बैकग्राउंड में पिक्चर तो आ गया लेकिन पिक्चर सही मायने से दिखाई नहीं जा रहा है, थोड़ा सा देखिए आप ब्लार टाइप का आ रहा है।
आप चाहते हो इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंटली देखने के लिए, तो आपको करना होगा वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क, वॉश आउट ऑप्शन को हटाना है और अप्लाई करना है। तो देखिए आपका पिक्चर का जो क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी हो, वो सामने आ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, आपका टेक्स्ट सही मायने से समझा नहीं जाता है, बैकग्राउंड कलर के साथ घुल जाता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप वॉश आउट ऑप्शन को एक्टिव करके ही रखें। गाइस अगर आपको पिक्चर वाटरमार्क को भी रिमूव करना है तो भी आपको वाटरमार्क ऑप्शन में जाना होगा और रिमूव वाटरमार्क में क्लिक करना होगा। तो देखिए पूरा डॉक्यूमेंट्स के अंदर से आपका पिक्चर वाटरमार्क भी रिमूव हो चुका है। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर पूछ लेना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंडली टेक यूट्यूब चैनल पर आपको हमेशा के लिए कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी कोर्स होते हैं वो भी फ्री में, मुफ्त में, बेसिक टू एडवांस लेवल में देखने को मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।